अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए एनएलटी की तरफ से जो कि नया कोर्स है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो एनएलटी CHM ओ लेवल, हो सकता है आपको आपने इस कोर्स के बारे में ना सुना हो पहले, तो आज हम इसी वीडियो पे बात करेंगे कि किस प्रकार का ये एनएलटी का नया कोर्स है और किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं और इसके करने से क्या फ़ायदे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है इसकी, और ये किस प्रकार के कोर्स है, क्या फ़ीस है, पूरी चीज़ें आप उसको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को करने के इच्छुक हैं तो आप इस कोर्स के बारे में जानें, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो काफ़ी इसके बेनिफिट हैं और काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो चलिए देख लेते हैं एनएलटी CHM ओ लेवल कोर्स क्या है, पूरी जानकारी देंगे आपको हिंदी में। तो ये CHM आपका, इसका जैसे कि आप नाम से अवगत ना हो तो CHM का फुल फॉर्म यहाँ पे है आपका है कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस। तो ये बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस का आपका कोर्स है, जिससे कि आपको ट्रबल शूटिंग वगैरह जितनी भी कंप्यूटर में होती हैं, रिपेयरिंग खोलना बंद करना, असेंबली वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं हार्डवेयर से जुड़ी हुई, मेंटेनेंस की जुड़ी हुई, वो सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। तो जो कि आपके जॉब के संदर्भ में बात करें तो काफ़ी अच्छा कोर्स है आपके लिए। तो इसके लिए आप प्राइवेट कंपनी भी आपके लिए बहुत आपको मिल जाएंगी इस कोर्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार का ये कोर्स है, तो आपको किस प्रकार से बेनिफिट होगा करने से अगर आप करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है इसकी। तो CHM ओ लेवल दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स ऑफ CHM ओ लेवल कोर्स इज टू ट्रेन 10+2 क्वालिफायर टू एक्वायर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल फॉर इंस्टॉलेशन ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट डेटा बैकअप डिजास्टर प्रिवेंशन डायग्नोसिस रेस्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट बिसाइड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर के मेंटेनेंस का जो पार्ट होता है, हार्डवेयर का पार्ट होता है, उसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, और सबसे पहले आपको बता दें कि ये कोर्स आपका डायरेक्ट नहीं होगा, इसको आपको इंस्टीट्यूट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा प्रैक्टिकल बेस है। अगर आप अपने आप करते हैं तो उसमें कोई आपको करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नॉलेज में ही रखेंगे तब तक आप किसी जॉब में इसके लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका प्रैक्टिकल बेस पूरा कोर्स है और बहुत ही अच्छा कोर्स है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो जॉब ऑफर आपके लिए काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, तो आपने देख लिया इसको 10+2 क्वालिफिकेशन इसकी रखी गई है, तो और इसमें जो कैंडिडेट होगा उसको तैयार किया जाएगा उसके लिए कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन किस प्रकार से करते हैं, सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन वगैरह सिखाई जाएंगी हर चीज़ की, ट्रबल शूटिंग वगैरह कोई आती है आपके में एरर आती है कोई उसको कैसे मेंटेन करना है, सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे अपडेट करना है, इंस्टॉल करना, बैकअप करना, रिकवरी करना, डायग्नोसिस करना, और डेटाबेस को किस प्रकार से मैनेजमेंट करना, फॉल्ट अगर कोई आएगा तो उसको कैसे देखना, तो सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जा रही हैं। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में या किसी स्कूल में काम करने के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पे आपको किस तरह से बात करना है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल, मान लीजिए वो प्रिंसिपल के रूप में आप कहीं काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में बड़े काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रहेगी, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है और जो इसमें रखा गया है मॉड्यूल वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये तो बात हो गई आपकी क्वालिफिकेशन 10+2, इसमें खाली बेसिक सी है, इंटर लेवल अगर आप पास हैं तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। तो ये कोर्स आपका जो है कंटेन करता है 6 थ्योरी मॉड्यूल, इसमें आपके 6 थ्योरी के मॉड्यूल होते हैं, जैसे कि आप ओ लेवल में देखा होगा मॉड्यूल 4 होते हैं आपके, 3 आपके कंपलसरी, 1 ऑप्शनल होता है, और इस कोर्स में आपका जो है आपका 6 थ्योरी मॉड्यूल है। और उसमें आप देख सकते हैं नीचे आपको दिख रहा होगा जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हैं, तो दी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रपोज कंसीडरिंग दी सेक्टर ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर दैट इज़ सर्विस इंडस्ट्री हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड एकेडमिया सच एज ट्रबल शूटर टेक्निक पी सी
टेक्नीशियन पीसी, असिस्टेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड लैब डेमोस्ट्रेटर। तो ये आप देख सकते हैं कितने प्रकार की जॉब आपको ऑफर इसमें हो सकती हैं अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो। काफ़ी बेनिफिट का कोर्स है और ये तो काफ़ी कम है यहाँ पे, जहाँ तक कि मेरा अनुमान है तो उसमें आपके लिए काफ़ी संभावनाएँ होती हैं आपके नेटवर्किंग के कोर्स में और आपके हार्डवेयर के कोर्स में। तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं इसमें जॉब की, और आप इसमें खुद का भी बिजनेस अपना इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं थ्योरी मॉडल किस प्रकार से। तो आप जॉब कैरियर आप देख सकते हैं, अगर कैरियर के लिहाज से देखें तो इस प्रकार से आप इसमें कैरियर और पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा पोस्ट हैं, ये तो आपको शॉर्ट फॉर्म में दी गई हैं। आप एनी वेयर कंप्यूटर लैब वगैरह में, इंस्टीट्यूट में, या किसी ऑफिस में, या स्कूल में, कहीं पर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं मॉड्यूल किस प्रकार से इसमें और क्या क्या इसमें आपको सिखाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये पूरा आपका एक साल का कोर्स है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक साल का पूरा कोर्स है, जैसा कि आपका ओ लेवल का होता है। तो इसमें आपके 6 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 1 में आपका है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड पीसी हार्डवेयर। तो पहला जो मॉड्यूल में आप पढ़ेंगे एक साल में, तो उसमें आपका जो पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड पीसी हार्डवेयर, माने यानी कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट वगैरह होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि क्या 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 होते हैं और इनके क्या यूज़ होते हैं, किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। उसका मॉड्यूल 2 में आपका पीसी आर्किटेक्चर, जो आपका मदरबोर्ड वगैरह हो गया, पूरा ढांचा जो हो गया, उसमें रैम, हार्ड डिस्क, जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं आर्किटेक्चर के रूप में आती हैं, और उसी के संदर्भ में इसमें आपको बताया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर कोई एरर वगैरह आती है या कोई फॉल्ट आती है तो आप उसको किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। उसका मॉड्यूल 3 में आपका कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड नेटवर्किंग के बारे में बताया जाएगा। तो कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी डिवाइस है आप उसमें कनेक्ट करते हैं पेरिफेरल, जैसे कि आप लोग पीछे देखते होंगे पोर्ट लगे होते हैं, उससे जितनी भी डिवाइसें कनेक्ट होती हैं और जो नेटवर्किंग से संबंधित डिवाइसें जो होती हैं उनको किस प्रकार से आपको हैंडल करना है, कॉन्फिगर करना है और उसको मेंटेनेंस करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद आपको मॉड्यूल 4 है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डायग्नोसिस एंड डिबगिंग टूल्स। तो इसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी और किस प्रकार से इसको मेंटेनेंस करना है सिस्टम को, जैसे कि मान लीजिए कोई डेटा डिलीट हो गया, उसको रिकवरी किस प्रकार से करना है, या कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है और कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, उसमें एरर आ रही है तो उसको किस प्रकार से फिक्स करना है, या वेब बूटेबल आप कर रहे हैं विंडो, वहाँ पर कोई एरर आ रही है तो किस प्रकार से आप उसको फिक्स करना है, या ट्रबल शूटिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और डायग्नोसिस में आपके सिखाई जाएंगी, जो कि आपका मॉड्यूल नंबर 4 है। उसके बाद आपका इसमें आता है मॉड्यूल 5, इसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे काम करते हैं, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा उनके प्रति तो आपको वहाँ से निकाला भी जा सकता है, जो कि इसमें जो बताया जाएगा आपको किस प्रकार से आपको कम्युनिकेट करना है, किस प्रकार से बात करना है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो मॉड्यूल 5 में आपका ये रखा गया है। उसके बाद मॉड्यूल 6 में आपका रखा गया है पीसी डिबगिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इसमें आपको सारी मेंटेनेंस जानकारी दी जाएंगी, किस प्रकार से आपको पीसी को मेंटेनेंस करना है, अगर कोई इसमें एरर आ रही है या फॉल्ट आ रही है तो किस प्रकार से उसको चेक कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इन 6 मॉड्यूल के अंदर आपको दी जाएंगी। आप मॉड्यूल देख सकते हैं, यहाँ पे 6 मॉड्यूल आपके अवेलेबल हैं NLT CHM ओ लेवल कोर्स के, जो कि काफ़ी अच्छे कोर्स हैं। सारी जानकारी आपको दी जा रही है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर का पार्ट होता है उससे जुड़ी हुई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के 2 पार्ट हैं, आपके सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। तो हार्डवेयर अगर आप सीख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है, सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये आपका हार्डवेयर का कोर्स है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके मॉड्यूल हो गए, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आपका ये कोर्स किस प्रकार से है, तो कोर्स ड्यूरेशन आप ले सकते हैं 52 वीक, यानी कि 1 ईयर का पूरा कोर्स है, जिसकी ट्यूशन फीस आपकी लगेगी 18,050 रुपये आपकी लगेगी, जिसमें आपकी पेमेंट टर्म होगी, फर्स्ट इंस्टॉलेशन होगी जिसमें आपको 6,050 रुपये एट दी एडमिशन टाइम पे आपको पे करना है। उसके बाद आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलेशन जमा होगी, जो कि आप 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 3,000 रुपये आफ्टर एवरी 2 मंथ में आपको जमा करने हैं। तो जैसे कि आप सेकंड वाले में आपको 5,000 जमा करने हैं, थर्ड वाले में आपको 4,000 और फोर्थ इंस्टॉलेशन में आपको 3,000 रुपये आफ्टर 2 मंथ में आपको जमा करने हैं। हर 2 मंथ में एडमिशन जब आप लेते हैं फर्स्ट इंस्टॉलेशन के बाद, आपको हर 2 मंथ बाद 5,000 रुपये, हर 2 मंथ बाद 4,000, उसके बाद हर 2 मंथ के बाद 3,000 रुपये आपको जमा करनी है। इस प्रकार से आपको पूरी पेमेंट पे करनी है 18,050 रुपये। उसके बाद आपको इसमें दिया गया है, जो कि आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी वो आपकी 500 रुपये है,
जो कि आपकी एक ही बार लगनी है। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है जो कि 500 रुपये पर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर की लगेगी। तो जितने भी इसमें पेपर हो, मे भी 6 होने चाहिए पेपर, जैसे कि मॉड्यूल दिए हैं, बाकी अभी इससे संदर्भ में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी पेपर हो आपके, वो आपको इंस्टीट्यूट से ही पता चलेंगे, क्योंकि इसका सारा कोर्स आपका इंस्टीट्यूट से होगा, डायरेक्ट आपका नहीं है। तो आप इंस्टीट्यूट में, अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूट में जाएँ, वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि ये अलग कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। और मेरी जानकारी में तो अभी ऐसा कोई एनएलटी ने कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं की है जिससे कि आपको बताया जा सके कि ये कोर्स आपके कहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं। अगर मुझे जैसे ही पता चलेगा तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपको कहाँ से ये कोर्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 500 रुपये पर पेपर एंड मॉड्यूल की लगेगी, सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा प्लस अप्लीकेबल। तो ये था आपके लिए बेसिकली इतनी जानकारी थी एनएलटी CHM ओ लेवल कोर्स की। तो अगर आप इसको करने के इच्छुक हैं, हार्डवेयर का आपका कोर्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस का 1 साल का कोर्स है आपका, 6 थ्योरी मॉड्यूल हैं इसमें, जॉब की संभावनाएं अच्छी हैं इसमें, सारी चीज़ें आपको हार्डवेयर से जुड़ी सिखाई जाएंगी, फ़ीस आपकी 18,500 रुपये है, क्वालिफिकेशन आपकी इंटर पास है। तो इसको आप एनएलटी के इंस्टीट्यूट से दिल्ली वगैरह से भी कर सकते हैं, अगर वहाँ पे आप रहते हैं, या आपने नज़दीकी एनएलटी इंस्टीट्यूट पर जाएँ, वहाँ पे इस कोर्स के बारे में पता करें कि एनएलटी CHM ओ लेवल का कोर्स यहाँ प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो हो सकता है ST के लिए वहाँ पर फ्री भी हो ये कोर्स, तो आप जाके पता कर सकते हैं। अभी मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो जितनी जानकारी अवेलेबल थी मैंने आपको बता दी है। तो ऐसा करते हैं, आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।